I'm not okay. आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके नहीं, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। I want to show you something. Please sit. वो देखो रानी, ये तस्वीर मैंने पिकनिक के दौरान क्लिक की थी, तुम्हें पता भी नहीं चला। How happy you look. तुम्हारी आंखों से खुशी झलक रही है। रागिनी, इतना खुश मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। और वो देखो, तुम्हारे एंगेजमेंट की तस्वीर, इसमें रागिनी खुश नहीं है, आंखों में एक दर्द है। घबराई हुई सी है। रागिनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि आवर रिलेशनशिप इज कर्स्ड, जैसे इसे होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें कहा था ना कि हमारा रिश्ता अशुभ है, हमारे रिश्ते को गाली दी थी तुमने। तुमने ये कहा था कि जब भी हम एक दूसरे के करीब आते हैं हमारे आसपास के लोग बर्बाद होते हैं, जिंदगी बर्बाद होती है। तुमने कहा था ना ये? कोई रिलेशनशिप कर्स नहीं होता है। नहीं, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हाउ कुड इट बी अ कर्स? I don't even know if I deserve you. But I don't even know if I deserve you. I क्या हुआ, तुम कुछ बोली नहीं? अरे ऐसे दिन आ गए कि रागिनी देसाई के पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं। वाओ। एनीवे, I guess we should leave. ऑफिस के लिए ऐसे भी लेट हो रहे हैं और फोटोशूट का टाइम निकल जाएगा। I'll just wait for you. तुम्हारी वजह से तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं रोशनी, मेरी, नील की और तुम्हारी। Oh God, ये सब गलत हो रहा है। मैं कैसे नील को सच बताऊं? Sorry नील, I'm sorry. हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी। यस जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी। यश जोकर, लिसन टू मी डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। हे सरोजनी बिटिया, ये थोड़ा संयम से काम लेना। कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी,
कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,